ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद यदि आप चलने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, तो इसका होने का जो एक कारण समझा जाता है वो है मांसपेशियों में कमज़ोरी होना। लेकिन इसका एक और कारण हो सकता है और वो है बैलेंस का ठीक से ना बन पाना। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन का कुछ पार्ट किन्हीं कारणों से डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद फिर वो पार्ट नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। ब्रेन उन मैसेजेस और सिग्नल्स को नहीं समझ पाता है जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आँख, कान और मांसपेशियों से उसको मिलते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट लेने पर, एक्सरसाइजेस करने पर, जैसे ही ब्रेन खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, वैसे ही आप अपने बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को वापस से ठीक होता हुआ देख सकते हैं। हालांकि बहुत हद तक ठीक होने के बाद भी बैलेंस की समस्या रह सकती है, खासकर उन स्ट्रोक पेशेंट्स में जिनके ब्रेन में विजन, हियरिंग और बैलेंस का कंट्रोल सिस्टम ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें शुरू के रिकवरी मंथ्स में बैलेंस में सुधार नहीं लगा है, तो वो लोग अपनी फिजियोथेरेपी ज़रूर करवाएं। कुछ लोग तभी तक अपनी फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू करते हैं जब तक उनके हाथ और पैर में मूवमेंट आ जाता है और स्टिक के सहारे से वो चलने लगते हैं। एक बार जब वो स्टिक के सहारे से चलने लगते हैं तो उसके बाद वो अपनी फिजियोथेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं और एक्सरसाइजेस भी काफ़ी कम कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टिक के सहारे चलने के बाद भी आपको अपनी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है, फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो चलते समय आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आपके गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं, और अगर गिरने के चांसेस बढ़े तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस को ब्रेन इंजरी होने के बाद रीलर्न करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए अटेंशन और प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट काफ़ी चाहिए होती है। इसलिए भले ही आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे क्लिनिक में जाकर या फिर घर पर होम विजिट के फॉर्म में, तो भी उसके साथ आपको बैलेंस एक्सरसाइजेस खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो दो बातें स्ट्रोक पेशेंट को ध्यान रखनी है। एक, अगर स्टिक के सहारे चलने के बाद आपने फिजियोथेरेपी को लेना बंद कर दिया है तो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को रीलर्न करने के लिए फिर से फिजियोथेरेपी लेना शुरू करें। दूसरा, फिजियोथेरेपी इन क्लिनिक के साथ घर पर भी बैलेंस एक्सरसाइजेस करना खुद से प्रैक्टिस करें। बैलेंस एक्सरसाइजेस आप घर पर कौन कौन सी कर सकते हैं, इस वीडियो में आज आप यही जानेंगे। इस वीडियो में अभी बेसिक लेवल ऑफ बैलेंस एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। जिन पेशेंट्स को चलने में थोड़ा सा डिसबैलेंस लगता भी है तो वो लोग बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस करना शुरू करें। फिलहाल इस वीडियो में बेसिक से शुरू करेंगे, आगे जो एक्सरसाइज होगी उसमें आप एडवांस एक्सरसाइज सीखेंगे। तो चलिए पहली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है हील रेज। इसमें सिंपली आपको सामने से किसी चेयर का सहारा लेकर अपनी दोनों एड़ियों को ऊपर उठाना है और नीचे लाना है। अगर आप इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ हील रेज करें और डाउन करें। कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जब बैलेंस धीरे धीरे बनने लगेगा तो फिर इस पोजीशन को आप होल्ड करने की कोशिश करें और चाहे तो बिना चेयर के सहारे भी इसे आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को एक बारी में 20 से 25 बार आप रिपीट करें। बीच में अगर थकान महसूस होती है तो ब्रेक भी ज़रूर लें। सेकेंड एक्सरसाइज है साइड स्टेपिंग। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको फ्लोर पर एक टेप लगानी है और फिर पैर को क्रॉस करके टेप के दूसरी तरफ लेकर जाना है। इसे भी शुरुआत में चेयर का सहारा लेकर करें और कुछ समय बाद जब बैलेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाए तो फिर चेयर का सहारा आप नहीं भी ले सकते हैं। एक पैर से करने के बाद फिर दूसरे पैर से भी इस एक्सरसाइज को करें, यानी जो लेग अनअफेक्टेड है, जिसमें दिक्कत नहीं है, उससे भी ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। तीसरी एक्सरसाइज में आपको सिंपली दोनों पैरों को जोड़कर खड़े होने की कोशिश करनी है। देखने में भले ही ये सभी एक्सरसाइजेस आसान लग रही होंगी, लेकिन स्ट्रोक पेशेंट्स जिनका बैलेंस पुअर है उनके लिए ये एक्सरसाइज करना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। पर डोंट वरी, डेली प्रैक्टिस करने पर जैसे जैसे मसल में स्ट्रेंथ आने लगेगी,
सेंसरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने लगेंगे, वैसे वैसे बैलेंस बनाने में भी सुधार आने लगेगा। इसके अलावा अगली एक्सरसाइज है हील टू टो एक्सरसाइज। इसमें एक पैर को दूसरे पैर की बिल्कुल सीधाई में एड़ी से मिलाकर रखना है। हो सके तो इस पोजीशन को कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करें, बीच में रिलैक्स करके फिर सेम तरीके से एक्सरसाइज को 10 से 12 बार दोहराएं। अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। इसमें आपको एक प्लास्टिक स्टूल के ऊपर एक पैर को रखकर पोजीशन को मेंटेन करना है। अनइवन सरफेस के कारण पोजीशन को मेंटेन करने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसलिए ज़रूरत लगे तो चेयर या दीवार का सहारा आप ले सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है ये भी एक बेसिक लेवल एक्सरसाइज है। इसमें आपको बारी बारी से दोनों पैरों के अंगूठे से एक गोला बनाने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज करने के दौरान अगर अनबैलेंस लगता है तो ऐसे में चेयर या दीवार का सहारा आप ले सकते हैं। इसमें 5 बार क्लॉकवाइज गोला बनाना है और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज गोला आप बनाएं। तो ये थी बेसिक लेवल ऑफ बैलेंस एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रोक पेशेंट्स। इन एक्सरसाइजेस को आप डेली प्रैक्टिस करें, जब भी टाइम मिले आप ज़रूर करें। ये एक्सरसाइज करके आपके बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन में काफ़ी सुधार आएगा। इसके बाद जो एक्सरसाइजेस होंगी वो है एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस, यानी थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइजेस जो थोड़ी चैलेंजफुल होंगी। ये एक्सरसाइज आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। तब तक के लिए स्टे एक्टिव, बी हेल्दी।